एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये ठीक क्या होता है, देखो अगर आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन उस पे डिपेंड करे, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ऑल्सो ए कॉलिगेटिव ओके प्रॉपर्टी। तो समझते हैं क्या है पहले ये। सपोज आपने वाटर लिया, ठीक है, वाटर का जो वेपर, मान लो टेम्परेचर है 293 केल्विन, ठीक है, सपोज टेम्परेचर इज 293 केल्विन। इस टेम्परेचर पे जो वाटर का बीस वेपर प्रेशर होता है, दैट इज 17.53 mm Hg, ये डाटा है। अब आप क्या करो, आप वाटर को हीट करने लग जाओ, हीट करने लग जाओगे आप इसको अगर, तो क्या होगा, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, इसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। एक से जो बाहर जो प्रेशर है वो कितना है, बाहर का प्रेशर PATM 760 mm Hg, 180 mm है, 760 mm Hg है। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब वाटर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी 760 हो जाए जब, इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या फर्क है, जब प्रेशर 17.53 था वेपर प्रेशर, तो जो वेपर बन रहे थे वो सिर्फ सरफेस से बन रहे थे, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हुआ, तो जो वाटर के वेपर है वो बल्क से अंदर से भी बनना शुरू हो जाएंगे। इस प्रोसेस को बॉइलिंग बोलते हैं। तो बॉइलिंग कब होती है, जब वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता ओके है, और ये टेम्परेचर वाटर के लिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ओके, अब देखो अब आप क्या करो, अब आप सेम वाटर लो, सेम केस है, इसमें मैंने डाल दिया ग्लूकोस। ग्लूकोस नॉन वॉलेटाइल है, तो वाटर के वेपर प्रेशर को कम करेगा, ये हमने देखा था ना कल। जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डालते हो किसी सॉल्वेंट में, तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सपोज इसका वेपर प्रेशर हो गया 16, मुझे नहीं पता कितना होगा, मैं अंदाजा लगा रहा हूँ 16 mm Hg हो गया। ओके, टेम्परेचर कितना है, 293 केल्विन। अब आपको अगर इस सॉल्यूशन को बॉयल करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको हीट करना पड़ेगा। कब तक हीट करना पड़ेगा, जब तक इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना नहीं हो जाता, 760 mm Hg। अब आप डिफरेंस देखो, यहां पे तो आपको 17.53 से उठा के 760 पहुंचाना था, यहां पे आपको कहां से उठा के पहुंचाना है, 16 से उठा के 760 पहुंचाना है। तो ज्यादा हीट किस केस में करनी पड़ेगी, 16 वाले केस में ज्यादा हीट करना पड़ेगा, क्योंकि वहां नीचे से उठा रहे हो आप, तो हो सकता है आपको 101 डिग्री सेंटीग्रेड तक करना पड़े हीट। समझ में आ रही है बात। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो टीबी, टीबी बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन को, टीबी नॉट बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट को। तो एलिवेशन कितना होगा, टीबी माइनस टीबी नॉट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू मोलैलिटी इन टू के बी। एम इज मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन, के बी इज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है ना। इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट, एम इज मोलैलिटी। तो ये हो गया डेल्टा टी बी। इस फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो इसका हम ग्राफ भी देख लेते हैं, सिंपल सा ग्राफ है, देखो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ, दिस इज वेपर प्रेशर, दिस इज टेम्परेचर। पहले हम सिर्फ सॉल्वेंट का ड्रॉ कर रहे हैं, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। सपोज दिस इज 180 mm, है ना, 760 mm Hg। तो 180 mm पे जो भी टेम्परेचर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट, टीबी नॉट। प्योर सॉल्वेंट का है ना ये। अब क्या करें, आपने बना दिया सोल्यूशन, सोल्यूशन बना दिया तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, कम हो जाएगा तो नीचे जाएगी लाइन ऐसे, है ना, ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है ना।
सॉल्वेंट से कम होगा ना सोल्यूशन का, तो यहाँ जाके देखो 760 mmHg हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो यहाँ पे कितना बढ़ गया ना, बॉइलिंग पॉइंट देख रहे हो, टीबी इज ग्रेटर देन टीबी नॉट, तो ये कितना है डेल्टा टीबी, ये कितना आएगा मोलैलिटी इनटू केबी। तो ये ग्राफ है इसका, तो इस पे हम बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं। देखो 18 ग्राम ग्लूकोस है, ग्लूकोस नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, उसको कितने पानी में डाल दिया, 1 किलो पानी में डाल दिया, सॉस पैन में रखा हुआ है। एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल एट 1.013 बार, 1.013 बार मतलब 1 ATM ही होता है इस टेम्परेचर पे, जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है नॉर्मल वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। के बी गेवन है वाटर का, कितना है 0.52 केल्विन kg पर मोल। तो ये देखो नाउ सॉल्यूट क्या है, ग्लूकोस, सॉल्वेंट क्या है वाटर, तो मोलैलिटी निकाल लोगे आप, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इज 1 kg एंड गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इज 18 ग्राम, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है ग्लूकोस का 180, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट वाटर है उसका प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताइए आपको, ये तो याद करना पड़ेगा, 1 बार 1.013 बार पे जो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन भी टीबी, सोल्यूशन 18 ग्राम ग्लूकोस और 1 किलो पानी के जो सोल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमने कितना मान लिया, टीबी मान लिया। तो डेल्टा टीबी क्या है, मोलैलिटी इनटू केबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज मोलैलिटी इनटू केबी। मोलैलिटी कैसे निकलती है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉरी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो डब्ल्यू डिवाइड बाय डब्ल्यू सॉल्वेंट इन केजी, यही आएगा ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो आ गया देखो, गिवन मास कितना था सॉल्यूट का 18, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 180, सॉल्वेंट का मास कितना है 1 kg, तो ये आ गया इतने डिग्री। तो डेल्टा टीबी कितना आ गया, इतने डिग्री सेंटीग्रेड। डेल्टा टीबी क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, सो टीबी माइनस 100 इतना, तो टीबी आ गया इतने डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, इसी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन, बेंजीन प्योर सॉल्वेंट है, तो ये टीबी नॉट दिया आपको, ठीक है ना। व्हेन 1.80 ग्राम ऑफ ए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये क्या हो गया, वन पॉइंट एट जीरो ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट वॉज डिजॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन। 1.80 क्या, गिवन मास ऑफ सोल्यूट 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये क्या है गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है क्या, नहीं। तो बॉइलिंग पॉइंट इज रेज्ड टू इतना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इतना, ये क्या है टीबी। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, क्या पूछा है उसने, एम भी पूछा है, बेंजीन का के भी गिवन है, ठीक है ना। तो देखो ये सारा मैंने बता ही दिया, ये तो सीधा ये फॉर्मूला लगेगा, डेल्टा टीबी क्या होता है मोलालिटी इंटू के भी, मोलालिटी तो अब चल गया ना पता, मोलैलिटी क्या है। अब मोलैलिटी के दो फॉर्मूले हैं, देखो यहाँ पे ना मोलैलिटी का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी ना। तो अब देखो मान लो आपको 90 ग्राम सॉल्वेंट दिया है, तो 90 ग्राम को अगर केजी में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, 90/1000 kg आएगा ना। तो यहां पे क्या है, देखो एन सॉल्यूट अपॉन डब्ल्यू सॉल्वेंट इन ग्राम,
अगर ग्राम में है तो डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा ना आपको यहाँ पे, जैसे 90 ग्राम था तो 90 बटा 1000 kg आया, तो डिवाइड बाय 1000 मतलब ऊपर 1000 कर लो, समझ में आई बात है। अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में हो तो ऊपर 1000 करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट क्या होते हैं, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो मोलैलिटी का ये फॉर्मूला देख के डरना नहीं है, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये नीचे क्या आएगा, मोल गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इंटू 1000, ये मोलैलिटी का ही फॉर्मूला, ठीक है ना। चलो इंटू ये केबी था, ये तो किसका, बेंजीन का केबी है ये तो। चलो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 1.80 1000, 90 ग्राम बेंजीन था, एमबी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, सारा कुछ पता है इसमें। टीबी कितना था, इतना गिवन है टीबी, टीबी नॉट भी गिवन है आपको, एमबी फाइंड कर लेंगे। क्लियर हो गया। अच्छा कोई नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सी समझ में आ गया, एमबी आ गया बस। नेक्स्ट देखो, अब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm Hg इज, अब देखो एक्सटर्नल प्रेशर कम कर दिया, नॉर्मली नॉर्मली एक्सटर्नल प्रेशर कितना होता है, 760 mm Hg होता है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया है, 750, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा ना फिर, समझ में आई बात है। तो ये टीबी नॉट ही है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर प्योर वाटर है ना, ये इतना है टीबी नॉट। ओके, हाउ मच सुक्रोस इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर। 500 ग्राम वाटर मतलब ये सॉल्वेंट का वेट दिया हुआ है डब्ल्यू ए, सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री, तो सुक्रोस डालने से उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा ना। ये क्या दिया हुआ, टीबी, क्या पूछा है, हाउ मच सुक्रोस मतलब डब्ल्यू बी, कितना आप सॉल्यूट डालो, डब्ल्यू बी पूछा है, तो फॉर्मूला तो वही लगेगा, मोलर मास ऑफ सुक्रोस। सुक्रोस का फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए, C12H22O11, इसका मोलर मास कितना होता है सुक्रोस का, 342 आ रहा है। ओके, तो अब सीधा फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा टी बी इज मोलैलिटी इनटू के बी, मोलैलिटी क्या है, मोलर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ नीचे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इनटू 1000 इनटू यहाँ के बी है। सो इसमें डब्ल्यू बी तो अननोन है, बाकी तो पता ही है कि नहीं। मोलर मास ऑफ सुक्रोज 342, और पानी लिया कितना है, 500 ग्राम, ऊपर 1000, सारा पुट कर दिया यहाँ पे। डेल्टा टी बी क्या है, टी बी माइनस टी बी नॉट, टी बी आपको गिवन है 100, टी बी नॉट ये भी गिवन है, तो यहाँ अगर हम सबस्टिट्यूट कर देंगे तो सिर्फ अननोन क्या है, डब्ल्यू बी, तो वो हम सॉल्व कर लेंगे, डब्ल्यू बी आ गया, ठीक है।